भाई जिसका था हम सब लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार आ गया है, वो भी दिन बहुत ही ज्यादा पास। केजीएफ के बाद से लोगों ने बहुत दिनों से थिएटर ब्लास्ट वाला सीन नहीं देखा था, आप देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार को लेकर। इस फिल्म का ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिलेगा और ये फिल्म हमें कब तक थिएटर के अंदर देखने को मिलेगी और इस फिल्म की नई अपडेट क्या है, इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में। तो बने रहो इस वीडियो में अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना, एक कमेंट करना सलार फिल्म के लिए। अगर बात करें हम इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर, तो सबसे पहली बात इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। पहले यह फिल्म 28 सितंबर को रिलीज हो रही थी और अब इस फिल्म को 28 सितंबर को रिलीज नहीं किया जाएगा। अब यह फिल्म हमें नवंबर के महीने में देखने को मिलेगी। यह ऑफिशियल अपडेट हम्बल फिल्म की तरफ से और इस फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद प्रशांत नीली जवान के प्रकोप से डर गए, इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया है। एक तो इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के बारे में कोई भी अपडेट देना ही नहीं चाहते अपने फैंस को। एक अपडेट दिया भी था उसे भी बदलकर आगे बढ़ा दिया गया है, तो भाई सीधा फैंस के मुंह पे जूता मारने वाली बात हो गई है। अभी तक इस फिल्म के मेकर्स ने सिर्फ इतनी अपडेट दी है कि इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जाता है और हाँ, ये फिल्म कब तक देखने की मिलेगी इसके बारे में बात तक नहीं की। भाई ये कौन सा हंगामा चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। सलार फिल्म के बारे में लोगों का यह भी कहना है कि ये फिल्म केजीएफ से कनेक्ट होने वाली है, मतलब कि केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील जी थे और सलार फिल्म के डायरेक्टर भी प्रशांत नील जी है, इसीलिए हो सकता है कि ये फिल्म आपस में कनेक्टेड हो जाए केजीएफ से। अगर हम आंकड़ों की माने तो केजीएफ चैप्टर 2 में जब रॉकी इंडिया का सारा सोना लेकर समंदर में जा रहा होता है और उस पर इंडियन आर्मी का अटैक होता है, रॉकी अपने जहाज के साथ सारा सोना लेकर समंदर में डूब जाता है, बस वहीं से सलार फिल्म की शुरुआत होगी। अब देखो गाइस, सलार फिल्म का केजीएफ से कोई कनेक्शन है या फिर नहीं है इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है, तभी इसीलिए मैंने ये बात कही कि शायद यहीं से बस सलार फिल्म की शुरुआत हो जाए। हालांकि इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक ये नहीं आया कि सलार फिल्म का कनेक्शन केजीएफ चैप्टर 2 से फिर केजीएफ के यूनिवर्स से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तो शायद कंफर्म है कि सलार फिल्म के आखिरी के जो 5 मिनट होंगे उसमें रॉकिंग स्टार यश का कैमियो जरूर देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो एक बार इंडियन सिनेमा का त्यौहार फिर से वापस आ जाएगा जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 में हुआ था, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश बहुत दिनों से बड़े पर्दे पर नजर भी नहीं आए हैं और फिर रॉकिंग स्टार यश प्लस प्रभास प्लस सलार इक्वल टू तबाही, बिल्कुल तबाही हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो। भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि सलार फिल्म फ्लॉप होगी या फिर सुपर डुपर हिट हो जाएगी, क्योंकि प्रभास की 2023 में बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी, खासकर आदि पुरुष के बाद से लोगों को प्रभास से अब बहुत कम ही उम्मीदें बची हैं। अगर सलार मूवी में प्रभास ने एक्स्ट्रा मसाला नहीं लगाया तो इनकी ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी और प्रभास की जो फैंस फॉलोइंग बनी हुई जिनके दम पर वो बहुत बड़े स्टार बनते वो बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगी, क्योंकि आदि पुरुष के बाद से ना प्रभास के फैंस को उनसे ये उम्मीदें नहीं थी कि वो आदि पुरुष जैसी फिल्मों में काम करेंगे, लेकिन भाई उसमें गलती प्रभास की नहीं है, गलती तो आदि पुरुष के राइटर की और डायरेक्टर की जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसने इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब क्या ही बताया एकदम बवासीर बन गई वो फिल्म। अरे छोड़ो यार, वो तो एक गुजरा हुआ कल है जो कि बीत चुका है, हम बात कर लेते हैं अपने आज के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर पूरे 150 सेकंड का होगा, यानी कि 2 मिनट 37 सेकंड का इसका ट्रेलर होने वाला है और यह ट्रेलर हमें 6 से 7 सितंबर के बीच देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम आंकड़ों की माने तो लोगों का यह भी कहना है कि इस फिल्म का ट्रेलर 4 सितंबर या फिर 7 सितंबर को देखने को मिल सकता है। मेकर्स इन दोनों डेट्स को लेकर काफी कंफ्यूज हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि सलार फिल्म का ट्रेलर जवान फिल्म के साथ ही रिलीज किया जाएगा, यह मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ और मेरा अनुभव कितने प्रतिशत सच होता है तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो पता ही होगा। अगर आप लोगों ने सलार फिल्म के टीजर को देखा है तो आप उसे 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और सलार फिल्म का केजीएफ फिल्म से कहीं कोई कनेक्शन होने वाला या फिर नहीं होने वाला है, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। सलार फिल्म की शूटिंग का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, इसके ट्रेलर की कटिंग का काम चल रहा है, पता नहीं कौन से कटर से काट रहे हैं जो इतना समय लग रहा है। हमारे वहाँ से कुल्हाड़ी ले जाओ और एक ही बार में काट के पब्लिक के सामने परोस कर रख दो कि भैया ये लो सलार फिल्म का ट्रेलर, जल्दी जल्दी से देख लो। गाइस आज की कथा बस यहीं पर समाप्त होती है, प्रसाद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप भी प्रभास अन्ना के सच्चे वाले फैंस और उनकी सभी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को दबा के एक लाइक मारो झट से।